हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड इस वीडियो में एसएसबी की कट ऑफ लिस्ट के बारे में बात करेंगे, तो फ्रेंड्स मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपका ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों आपको पता ही होगा आपकी एसएसबी में टोटल पोस्ट थी 872, ठीक है, जिसमें आपकी एएसआई, एसआई और हेड कॉन्स्टेबल की पोस्ट शामिल हो जाती है टोटल, ठीक है। दोस्तों बात कर लेते एसआई के बारे में। दोस्तों आपकी इसमें एसआई की जनरल में 11 पोस्ट थी, ओबीसी में आपकी एक पोस्ट दी गई थी, इसमें एससी एसटी में 4 पोस्ट थी, मतलब कि एससी की 2 पोस्ट, एसटी की 2 पोस्ट, टोटल पोस्ट आपकी इसमें हो जाती है 116, ठीक है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हेल्ड ऑन फिजिकल, इसमें फ्रेंड्स मिनिमम 150 बच्चों को बुलाया गया था फिजिकल के लिए, ठीक है, कॉल लेटर भेजा गया था। और दोस्तों कॉल लेटर भेजने के बाद जिन बच्चों का फिजिकल हुआ था 150 में से ये मान लो 20% निकाल दिए गए वहां पे, तो फ्रेंड्स ये मान लो कि आप रिटर्न एग्जाम 130 स्टूडेंट ने इसमें रिटर्न एग्जाम दिया था दोस्तों, ठीक है। तो आपकी कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं गई है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। एंड फ्रेंड्स देखिए नीचे आप दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपके 50 मार्क्स हैं, तो फ्रेंड्स आपने आपको आप मेडिकल के लिए तैयार समझे, ठीक है, आप मेडिकल में सिलेक्शन आपका हो सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते ओबीसी के बारे में। दोस्तों अगर आपकी कास्ट ओबीसी है, अगर आपके 48 मार्क्स हैं, तो फ्रेंड्स आपका भी चयनित मेडिकल के लिए हो जाएगा। जो मेरे फ्रेंड्स एस सी एस टी से हैं उनको ओनली 45 मार्क्स लेके आने हैं, अगर उनको 45 मार्क्स आ जाते हैं तो उनका मेडिकल में सिलेक्शन पक्का है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं एसआई के बारे में। दोस्तों एसआई में आपकी जनरल की 78 पोस्ट थी, ओबीसी की आपकी 11 पोस्ट थी और एसटी की आपकी 14 पोस्ट थी। दोस्तों एसटी की आपकी 7 पोस्ट थी, ठीक है। फ्रेंड्स जनरल में आपकी 7 पोस्ट जो आप देख रहे हैं प्लस में 7 पोस्ट, ये एक्स सर्विसमैन की है। अगर दोस्तों एक्स सर्विसमैन का उन्हें कोई बंदा नहीं मिलता है, कोई लड़के नहीं मिलते हैं, तो ये जो 7 पोस्ट है आपकी जनरल में काउंट हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। ओबीसी में एक्स सर्विसमैन की पोस्ट ओनली 1 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। अगर उन्हें एक्स सर्विसमैन का बंदा नहीं मिलता है तो आपकी ये जो पोस्ट जनरल में ओबीसी में काउंट हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह ये 2 पोस्ट एससी में एक्स सर्विसमैन की, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक्स सर्विसमैन की आपकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है, एक्स सर्विसमैन के बहुत कम बंदे होते हैं यहाँ पे, तो आपकी ये मान लो कि जनरल में आपकी 78 पोस्ट ही हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स टोटल पोस्ट इसमें आपकी थी 110, ठीक है। और बात कर लेते हैं रिटर्न एग्जाम के बारे में। दोस्तों अब जब ये एसआई का रिटर्न एग्जाम कम से कम दोस्तों 1500 बच्चों का लेटर भेजा गया था, 20% दोस्तों इसमें अब्सेंट थे, ठीक है। तो टोटल जो स्टूडेंट ने पेपर दिया दोस्तों ये 1278 ने पेपर दिया है, ठीक है, 1278 बच्चों ने पेपर दिया दोस्तों एसआई का। तो फ्रेंड्स इसको देखते हुए आपकी जो कट ऑफ जा सकती है जनरल में आपको 50 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आपके 50 मार्क्स आ जाते हैं एएसआई में तो आपका सिलेक्शन पक्का है मेडिकल के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं आपके 45 मार्क्स होने चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपके 45 मार्क्स आ जाते हैं तो दोस्तों आपको मेडिकल के लिए कॉल लेटर आ जाएगा। दोस्तों अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको इसमें 40 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आपके 40 मार्क्स आ जाते हैं तो आपको मेडिकल के लिए चयनित किया जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऐसी कम्युनिकेशन के बारे में। गाइस सबसे ज्यादा एक वैकेंसी आपकी हेड कॉन्स्टेबल में दी गई है कम्युनिकेशन में, ठीक है। जिसमें आप देख रहे हैं जनरल में आपकी 374 वैकेंसी है, 42 वैकेंसी आपकी एक्स सर्विसमैन की है दोस्तों, ठीक है। अगर उन्हें एक्स सर्विसमैन बंदे नहीं मिलते हैं, लड़के नहीं मिलते हैं, तो ये 42 वैकेंसी जनरल में काउंट हो जाएंगी। तो गाइस आपकी टोटल वैकेंसी 416 हो जाती है इसमें, ठीक है। दोस्तों ओबीसी में आपकी 139 वैकेंसी है, 14 एक्स सर्विसमैन की है, प्लस करके दोस्तों आपकी 153 वैकेंसी हो जाती है। एससी में आपकी दोस्तों 108 वैकेंसी है, प्लस 13 करके 121 वैकेंसी आपकी टोटल हो जाती है दोस्तों इसमें, ठीक। दोस्तों एसटी की इसमें 56 वैकेंसी है, 6 वैकेंसी आपकी एक्स सर्विसमैन की, 50 एसटी की है दोस्तों, टोटल इसको करके 56 वैकेंसी आपकी इसमें हो जाती है, ठीक है। फ्रेंड में टोटल पोस्ट थी आपकी 746, ठीक है। इसमें दोस्तों टोटल स्टूडेंट 15,000 थे, मतलब दोस्तों 15,000 को कॉल लेटर भेजा गया था फिजिकल के लिए, और दोस्तों 15,000 में से 20% बच्चे रह गए थे फिजिकल में, हाइट चेस्ट में दोस्तों। तो एग्जाम ओनली 12,500 बच्चे को कॉल लेटर एग्जाम के लिए भेजा गया था, और दोस्तों इनमें से 20% और अब्सेंट रह गए थे। तो दोस्तों इसमें एग्जाम हेल्ड किया मतलब ओनली 10,000 बच्चों ने पेपर दिया दोस्तों, इसमें ओनली 10,000 बच्चों ने इसमें पेपर दिया था, ठीक है। दोस्तों 23 तारीख को फ्रेंड्स की कट ऑफ लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इसमें जनरल को कम से कम 60 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे दोस्तों। आप सोच रहे होंगे इसमें इतने हाईएस्ट नंबर क्यों लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कंपटीशन ज्यादा है, 10,000 बच्चे दोस्तों कम नहीं होते, ठीक है, बहुत कंपटीशन दोस्तों इसमें, ठीक है। आपको जनरल में 60 नंबर तो पक्का लेके ही आने पड़ेंगे, ठीक है, अगर आपको मेडिकल में सिलेक्शन करवाना है अपना, ठीक है। दोस्तों ओबीसी के लिए आपको 50 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, एसटी एसटी के लिए आपको ओनली 45 मार्क्स इसमें लेके आने पड़ेंगे दोस्तों। जो एससी एसटी में है, जो जिनको 45 मार्क्स आ जाते हैं फ्रेंड्स, उनका मेडिकल चयनित के लिए हो जाएंगे दोस्तों, ठीक।
फिर नीचे देखिए क्वालिफिकेशन स्टूडेंट रेडी टू मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों जिन मेरे फ्रेंड्स को ये नंबर आ जाते हैं जो मैंने कट ऑफ लिस्ट बताई दोस्तों, इनके अकॉर्डिंग इनको नंबर मिल जाते हैं, मार्क्स पेपर में आ जाते हैं, उनका मेडिकल होगा दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।